वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आज मैं फिर एक सवाल लिया हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ओवर द इंटरवल -π to π एंड डिड्यूस दैट वन बाय वन इंटू थ्री प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 सो ऑन इज इक्वल टू 1/4 π - 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग फॉरियर सीरीज इसका निकालते हैं और उसके बाद ये डिड्यूस करते हैं। तो चलिए तो देखते हैं कि हमको दिया गया क्या है, यानी गिवन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एक्स -π से बड़ा और π से छोटा। तो हम लोग देखते हैं ना कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में, मतलब ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो डिरिचलेट कंडीशन को अगर यदि सेटिस्फाई करता है, तो क्योंकि ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में भी देखे थे। तो ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मीन्स इस फंक्शन का फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं, यानी इस तरह के इस फंक्शन का फॉरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं कि भाई कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है क्यों? क्योंकि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -x sin -x मीन्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स है ना, आप माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये फिर से एफ एक्स हो गया फॉर एक्स बिलोंग्स टू -π to π। तो अब देख रहे हैं क्या कि ये फंक्शन इवेन हो रहा है। तो जब इवेन हो रहा है तो हम लोग जानते हैं फोरियर सीरीज क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं ना, सिंस वी हैव फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल -π to π होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन एक्स, इसको हम लोग स्टार मान लिए, जहाँ कि ए नॉट 1/π 0 से π एफ एक्स डी एक्स और ए एन होता है 2/π 0 से π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एन इज इक्वल टू 1 to 3 एंड सो ऑन। तो देखिए इस फंक्शन का फॉरियर सीरीज तो ये हो गया, क्लियर। अब लेकिन ये जो फॉरियर कॉफिशियंट है ये हमको निकालना होगा, तब फिर हम मेरा कंप्लीटली फॉरियर सीरीज निकलेगा। तो चलिए हम लोग कोफिशियंट को निकालते हैं। देखिए चलिए, सिंस ए नॉट इज इक्वल टू 1/π 0 to π एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्या है ना, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स डी एक्स है। तो देखिए इसकी ज़रूरत हमेशा इधर पड़ेगी, तो हम लोग इधर निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। सिंस
एक्स साइन एम एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं आइलेट के फार्मूला से। मतलब आइलेट के फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले एक्स बाहर हो जाएगा साइन एम एक्स डी एक्स, और जो बाहर है उसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन, ऐसा हम लोग जानते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या बताइए भाई, ये इसका हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एम एक्स बाय एम हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस डायरेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिर इसका माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसका वन कॉस एम एक्स बाय एम डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एम एक्स बाय एम प्लस, अब ये हो जाएगा वन बाय एम, और फिर एक हो जाएगा वन बाय एम, चूँकि कॉस का हो जाएगा साइन एम एक्स, तो ये मेरा निकल गया माइनस एक्स, ये मेरा एक्स साइन एम एक्स डी एक्स का निकल गया कॉस एम एक्स बाय एम प्लस वन बाय एम स्क्वायर साइन एम एक्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इसका यूज हमेशा आएगा, तो ये भी आप निकाल के रख सकते हैं इस सवाल में बनाने के लिए कि अगर m के जगह हम लोग दूसरे दूसरे यूज़ करके मतलब क्वांटिटी यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो आप बताइए कि इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसके हेल्प से, इसको मान लीजिए, इसको डबल स्टार मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा वन बाय पाए, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स एम का वैल्यू यहाँ वन रख देंगे निकल जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस वन एक्स यानी मतलब कॉस एक्स बाय वन प्लस वन बाय वन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब ये जीरो से पाए यहाँ पर लिख दीजिए भाई एज फ्रॉम डबल स्टार्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, इसको रहने देता है इसका यूज करेंगे। हाँ तो चलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा वन बाय पाई, अब यहाँ पर पाए रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस पाए कॉस कॉस पाए, और यहाँ पाए रखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, फिर ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी मतलब ये हो गया वन बाय पाए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस पाए इंटू माइनस वन यानी वन बाय पाए इंटू पाए यानी मीन वन हो गया। चलिए सिंपल है, तो यानी कहने वाला ए नॉट का वैल्यू यानी दैट इज ए नॉट का वैल्यू वन आ गया, क्लियर है, इसको आप एक मान लीजिए। अब बात आया कि ए ए एन का वैल्यू क्या होगा, चलिए निकालते हैं ए एन का वैल्यू, सिंस ए एन ए एन इज इक्वल टू टू बाय पाए जीरो टू पाए एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए इस ये टू बाय पाए जीरो से पाए एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाय पाए जीरो से पाए एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, टू इधर लगा दिए, ये हो गया वन बाय पाए जीरो टू पाए एक्स, अभी देखिए टू ए साइन साइन ए कॉस कॉस बी यानी कितना साइन ए प्लस बी यानी वन प्लस एन
एक्स प्लस साइन वन माइनस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं कि एज टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग अलग अलग करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय पाए, अब इसको बाहर कर दीजिए, ज़ीरो से पाए एक्स साइन वन प्लस एन एक्स डी एक्स, फिर इसके साथ करिए प्लस जीरो से पाए एक्स साइन वन माइनस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको बंद किया। अब देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, या तो एक यहाँ पर क्या कीजिए ना, इसको माइनस करके यहाँ पर माइनस कर दीजिए। चलिए इसको यहाँ पर मिटाते हैं। अब देखिए इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कि वन बाय पाए, और ये इसको सेपरेट कर देते हैं भाई, यानी जीरो से पाए एक्स साइन वन प्लस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, इसको माइनस कर दिए, यानी माइनस वन बाय पाए ज़ीरो से पाए एक्स साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स। यहाँ पर कर दिए साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसके हेल्प से किए। अब देखिए वन बाय पाए हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हम लोग स्टार से क्या रख देंगे, यहाँ पर m की जगह 1 प्लस एन है, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस, बोलिए 1 प्लस एन एक्स बाय 1 प्लस एन। ठीक है, प्लस 1 बाय एम स्क्वायर साइन, यहाँ पर m की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस एन। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से पाए, सिंपल है। फिर माइनस वन बाय पाए और एक्स साइन एम की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, तो रखिए माइनस एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स बाय एन माइनस वन प्लस वन बाय एन माइनस वन का स्क्वायर साइन एन माइनस वन एन माइनस वन एक्स, और ये हो जाएगा जीरो से पाए। चलिए अभी इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए पाए रखेंगे, तो जैसे हम लोग पाए रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा यानी माइनस पाए और कॉस वन प्लस एन पाए का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन, डायरेक्ट रख दिए बाय वन प्लस एन। ठीक है, और प्लस वन बाय एम स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स होगा है ना, तो जैसे पाई रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है। अब ये हो गया जीरो माइनस, अब जैसे जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, जीरो जीरो इंटू जीरो, फिर ये साइन जीरो जीरो यानी प्लस जीरो, ये हो गया। चलिए अब माइनस वन बाय पाए, अब इसमें भी देखिए इसमें भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाए और यहाँ पर माइनस वन टू दी पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, क्लियर है, बटा में एन माइनस वन प्लस, जैसे पाए रखेंगे तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, जीरो होगा माइनस जीरो प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ पर m के जगह, यहाँ पर देखिए आप यहाँ m के जगह क्या हो जाएगा, n प्लस वन का स्क्वायर, थोड़ा मिस कर गए, ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए भाई कि cos n पाई इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन होता है,
और साइन एन पाई ज़ीरो होता है। चलिए अब मेरा आ गया वन बाय पाई। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए, पाई माइनस वन टू, या चलिए माइनस एन माइनस वन, ठीक है इसको, अब बाय वन प्लस एन, और ये तो सब जीरो हो गया। चलिए ये काम खत्म, माइनस वन बाय पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस पाई है, माइनस वन टू दी पावर एन और माइनस वन टू दी पावर माइनस वन, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिए और नीचे हो गया एन माइनस वन, इसका भी काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, पाई ये सब में है, तो यानी आ गया वन बाय पाई और माइनस पाई माइनस वन टू दी पावर एन कॉमन आ गया, तो क्या बचा है इसमें, इसमें बचा वन प्लस एन, और इसमें देखिए इसमें भी, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, चलिए एक बार क्लियर कर देते हैं कि ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये जा करके क्या हो जाएगा, पाई माइनस वन टू दी पावर एन बाय वन प्लस एन, ठीक है माइनस वन बाय पाई, अब ये भी माइनस पाई हो जाएगा, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा एन बटा में एन माइनस वन, आप यहाँ पर लिख दें माइनस वन टू दी पावर माइनस वन देंगे तो ये माइनस वन ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर माइनस वन टू दी पावर एन कॉमन आ गया, तो वन बटा में वन प्लस एन माइनस वन बटा में एन माइनस वन, यानी कहने का मतलब हो गया हम लोग का हो गया भाई ए एन, यानी दैट इज ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन एन माइनस वन माइनस वन माइनस एन बाय एन माइनस वन वन प्लस एन, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस टू माइनस वन टू दी पावर एन बाय एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ये हो गया ए एन का वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं भाई कि n का वैल्यू ये 1 के लिए अनडिफाइंड हो रहा है, तो दिस इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये तो देखिए a2 a3 a4 5 का मान निकल जाएगा, यानी आप देख देखिए निकाल सकते हैं ना, a2 का वैल्यू क्या होगा, ये जैसे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टू बटा में 3 इंटू वन, ए थ्री क्या हो जाएगा भाई, ए थ्री जैसे रखेंगे 3, एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव यानी 2 बाय, जैसे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू कितना 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन 2। अब देखिए जैसे ए फोर रखेंगे तो क्या होगा भाई, ए फोर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक है ये मतलब माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, इस तरह से मेरा चलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इवेंट टर्म जो है नेगेटिव हो रहा है और ऑड टर्म क्या है ना पॉजिटिव हो रहा है। अब यहाँ पर ए वन निकालना पड़ेगा क्योंकि ए वन निकला नहीं है, तो चलिए ए वन निकाल लेते हैं। ए वन देखिए सिंस ए वन इज इक्वल टू क्या होगा 2 बाय पाई, ठीक है 0 से पाई एक्स साइन एक्स कॉस 1x, और ये तो आपका क्या है ना एफ एक्स है ना, फॉर्मूला में रख दिए, तो यहाँ 1 बाय पाई बाहर हो गया 0 से पाई, यहाँ पर 2 अंदर कर दिए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यानी 1 बाय पाई 0 से पाई
एक्स साइन 2x, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x लिख रहा है, और ये हो गया dx। अब देखिए फिर इसको हम लोग स्टार से क्या लिख सकते हैं कि 1 बाय पाए, बताइए यहाँ पर m की जगह 2 आ गया तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस एक्स कॉस 2x बटा में 2 प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 2x, और ये हो जाएगा 0 से π। तो ये देखिए, ये निकालने का मतलब हो गया भाई 1 बाय पाए, और जैसे ही हम पाए रखेंगे तो ये हो जाएगा -π और cos 2π, यानी मतलब -1 का स्क्वायर बटा में 2, और जैसे रखेंगे तो 0 -0 -0, है ना, ये हो जाएगा, यानी पाए रखने के बाद, यानी cos 2π की वैल्यू क्या -1 पर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, चलिए 1 बाय पाए, और ये -π/2, ठीक है, चूँकि स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, -1/2, ये हो गया -1/2। दिक्कत है, देख सकते हैं, ये तो फार्मूला से ही रखे, और ये माइनस, ठीक है, ये a1 का वैल्यू आ गया। तो अब देखिए मेरा कोफिशियंट सब निकल गया, तो अब हम लोग स्टार में रख देंगे तो मेरा सीरीज बिकम्स हो जाएगा। तो लिखे हैंस इक्वेशन, हैंस इक्वेशन ये सब का यूज करेंगे हम लोग, हैंस इक्वेशन इक्वेशन स्टार बिकम्स एफ एक्स, क्या ना, एक्स साइन एक्स, ये है आपका ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity, यही था। तो ए नॉट आप क्या लिखेंगे, a1 cos 1x, a2 cos 2x, a3 cos 3x, एंड सो ऑन चलते रहेगा। अब चलिए रखिए वैल्यू, तो ए नॉट का वैल्यू क्या निकला था, ए नॉट का वैल्यू आया था 1, ठीक है, ए नॉट का वैल्यू आया था 1, और a1 का वैल्यू आया -1/2, यहाँ पर cos x, a2 का वैल्यू क्या आया था, -2/3 × 1, और cos 2x। देखिए a3 का वैल्यू क्या आया था, a3 का वैल्यू आया था 2/4 × 4 × 2 cos 3x। फिर देखिए cos 3 4 का वैल्यू क्या आया था, यानी ये माइनस आया था 2/5 × 3 cos 4x। तो इस तरह से मेरा चलते जाएगा, यानी प्लस में आएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं, ये 2 बाय कितना हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पर 6/5 6, और देखिए 3, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 5x आ जाएगा, और फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर 7 × यहाँ पर 5 हो जाएगा cos 7x, यानी इस तरह से चलते रहेगा। देखिए मेरा इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि फिर वो सीरीज डिडक्शन करने के लिए बोल रहा है, डिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, ऐसे तो वरना हम लोग ये रख देंगे तो निकल जाएगा। तो मेरा, अब देखिए ये तो मेरा सीरीज निकल गया एफ एक्स का, ठीक है, यानी एक्स साइन एक्स का ये फॉरियर सीरीज निकल गया। अब इसको जनरल वे में अगर यदि लिखना चाहते हैं, यानी कि इन जनरल वे, तो एफ एक्स ए नॉट आपका है गया 1 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू आप यहाँ पर a1 वाला भी मान रख दीजिए, क्योंकि इसमें नहीं सेटिस्फाई करेगा। a1 आपका आपका हो गया -1/2 cos x प्लस समेशन एन इज इक्वल टू
टू टू इन्फिनिटी माइनस टू माइनस वन पर स्क्वायर एन बाय एन प्लस वन एन माइनस वन और यहाँ पर आ जाएगा बोलिए कॉस एन एक्स। ये मेरा जनरल हो गया, ये जनरल हो गया, लेकिन ये करने का मकसद था कि हमको वो मतलब सीरीज डिड्यूस करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टेल पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन का टेल पार्ट क्या कहता है, जो आधा उसमें जोड़ दिया है। नेक्स्ट चलिए, तो इसको जो है हम लोग जो ये सीरीज आया है तो इसको हम लोग मान लिए ट्रिपल स्टार, ठीक है ट्रिपल स्टार मान लिए। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर यदि एक्स का वैल्यू हम पाई बाय टू पुट कर देते हैं तो मेरा सीरीज डिड्यूस हो जाता है। वी पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू इन इक्वेशन ट्रिपल स्टार वी गेट, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू और यहाँ पर हो जाएगा भाई कितना, वन माइनस हाफ कॉस पाई बाय टू प्लस ये, हाँ ये माइनस हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री इंटू वन कॉस टू पाई बाय टू, चूँकि एक्स की जगह हम पाई बाय टू रखेंगे, फिर प्लस बोलिए टू बाय फोर इंटू टू कॉस थ्री पाई बाय टू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पाई बाय टू रखेंगे, तो माइनस टू बाय फाइव इंटू थ्री कॉस कॉस फोर इंटू पाई बाय टू, यानी प्लस टू बाय सिक्स इंटू फोर कॉस फाइव पाई बाय टू, अब माइनस टू बाय सेवन इंटू फाइव कॉस सेवन इंटू ना यार ये सिक्स होगा है ना, हम लोग लिखे सिक्स यानी सिक्स पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो इसी से मेरा एनालिसिस हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या, देखिए कि कॉस पाई बाय टू ये क्या होता है, जीरो होता है। अब ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस पाई यानी माइनस वन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टू पाई यानी दैट मीन्स प्लस वन प्लस वन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई यानी मतलब नेगेटिव यानी मतलब माइनस वन। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि ये जो है ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो फिर माइनस वन, तो फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा फिर प्लस वन आएगा, यानी इस तरह से मेरा सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्या निकला। आप यहाँ पर इसको लिखना ना, दिस इज, हाँ दिस इज रिक्वायर फॉर ईयर फोरियर सीरीज, ठीक है, फॉर द गिवन फंक्शन इन माइनस पाई टू पाई, ये आप लिख दें। नेक्स्ट के लिए उधर से करेंगे, ये छूट गया था। तो दस देखिए क्या निकला, तो ये तो हो गया वन यानी पाई बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, टू बाय बोलिए थ्री इंटू वन। अब देखिए ये जीरो हो गया तो यहाँ बचा, यहाँ हो जाएगा माइनस टू बाय फाइव इंटू थ्री, ठीक है, ये फिर जीरो हो गया, यहाँ पर आएगा। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू बाय बोलिए सेवन इंटू फाइव, अब फिर ये माइनस आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि आ रहा है अंतर 2/9 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। फिर प्लस आएगा 2/11 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी इस तरह से चलते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या भाई कि π/2 ये समझ आ रहा है ना भाई, इसका वैल्यू रखें हम लोग इस तरह से। तो ये -1/2/3 इंटू 1 -2/5 इंटू 3 +2/7 इंटू 5 -2/9 इंटू 7 +2/11 इंटू 9 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी चलते रहेगा इस तरह से टू इन्फिनिटी। फिर दो कॉमन आ गया, देखिए फिर दो कॉमन आ गया, तो फिर दो कॉमन आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी π -2/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 -1/5 इंटू 3 +1/7 इंटू 5 -1/9 इंटू 7 +1/11 इंटू 9 एंड माइनस टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से निकल गया हाँ, अर्थात 1/3 इंटू 1 -1/5 इंटू 3 +1/7 इंटू 5 -1/9 इंटू 7 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1/4π-2 ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो हमको लगता है मिस हो गया है, ये गलत है, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा है ना, वो उसको आप करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इस तरह से हम लोग सवाल को देखें और वो क्वेश्चन जो है मतलब गलत है, मिस हो गया, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो चलिए इसको अगर यदि समझ में आ रहा है तो मतलब आप बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।